बच्चों गुड इवनिंग। मैं मनीष सर एक बार फिर से आप सभी का एमएस क्लासेस की स्वागत करता हूँ। अपने तीसरे दिनों क्या बात किया था, हम नरेशन पढ़ रहे थे, कक्षा 10 की बात हो रही है, नरेशन पढ़ रहे थे। तो नरेशन जो पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे, उसमें हमने आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में पढ़ा। उसके बाद आपका एक असर्टिव सेंटेंस में पहला हमने पढ़ा था कॉमन रूल, दूसरा हमने बर्वचित्र पढ़ा। बर्वचित्र में मैंने आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज बताया था क्या पढ़ता था कि यह जो वर्ब चेंज है तब तक चलेगा जब तक हम नरेशन पढ़ेंगे। तो आज हम उसके आगे बात करते हैं। क्या पढ़ रहे थे भैया? नरेशन। नरेशन नरेशन में हमने वर्ब चेंज पढ़ लिया, आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन चेंज। प्रोनाउन मतलब सर्वनाम, प्रोनाउन चेंज। तो प्रोनाउन चेंज पढ़ने से पहले मैं कुछ चीज प्रोनाउन लिख रहा हूँ, उसे नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे। तो आपका पहला है सब्जेक्टिव केस, जैसे जैसे नोट कर रहा हूं लिख रहा हूं वैसे वैसे लिख लो। देखो बच्चों, मैंने कहा कि जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग लिख लो। तो आपने लिख लिया, नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए। तो देखो पहले समझो कि ये चीजें हैं क्या, कैसे हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे इसके बारे में। देखो ये पर्सन लिखा है, पर्सन मतलब व्यक्ति होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। पहले इसका मतलब समझो, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकेंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब कहने वाला, जैसे मैं आपसे मैं कह रहा हूँ। सेकेंड पर्सन मतलब सुनने वाला, जैसे आप लोग सुन रहे हो। थर्ड पर्सन अब जिसके बारे में कहा जाए, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, प्रोनाउन चेंज के बारे में। तो बात समझ गए, यानी फर्स्ट पर्सन हमेशा कहने वाला होता है, जो सामने से आपको कुछ कहता है वो फर्स्ट पर्सन, जो सुनता है वो सेकेंड पर्सन, और जिसके बारे में कहा जाता है वो थर्ड पर्सन के अंदर बताता है। ठीक है, ये तीन प्रकार का होता है, सब्जेक्टिव केस हो सकता है, ऑब्जेक्टिव केस और पोसेसिव केस। सब्जेक्टिव मतलब कर्ता कारक, ऑब्जेक्टिव मतलब कर्म कारक, पोसेसिव मतलब अधिकार कारक। यानी पोसेसिव केस का तब प्रयोग किया जाता है जब किसी के ऊपर अधिकार दिखाना, जैसे कहा जाए पेन मेरी है तो क्या कहोगे, माई पेन ना। ये कहोगे तुम्हारी है तो क्या कहोगे, योर पेन।
जब किसी पे अधिकार दिखाना होता है तब पॉसेसिव केस का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई ना? आगे है। अब देखो, फर्स्ट पर्सन में दो प्रकार का प्रोनाउन होता है, आई और वी। आई और वी, फर्स्ट पर्सन में दो प्रकार का प्रोनाउन होता है, आई और वी। अब आई का सब्जेक्टिव केस आई, ऑब्जेक्टिव केस मी, और पॉसेसिव केस माई और माई। ऐसे वी लिखा है, वी सब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्टिव केस अज, आवर और अवर्स, यू यू, योर और योर्स, ही हिम हिज, सी हर हर और हर्स, इट इट इट्स, दे देम देयर। ठीक है, तो ये आपका सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस, ये पॉसेसिव केस। जैसे मैंने मान लिया आपसे पूछ लिया मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो मी का सब्जेक्टिव केस आई, मी का पॉसेसिव केस माई और माई, मी का ऑब्जेक्टिव केस मी, का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। तो बात समझ में आई ना? अब देखो, यहाँ यू और यहाँ यू दोनों सेम सेम लिखा है, यहाँ इट और यहाँ इट दोनों सेम सेम लिखा है। कैसे पहचानेंगे कि सब्जेक्टिव केस में है कि ऑब्जेक्टिव केस में? तो देखो, पहचानने का सबसे अच्छा तरीका मैं बता दे रहा हूं। एक होता है हेल्पिंग वर्ब और क्या मेन वर्ब। यदि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से पहले यू आए, यू चाहे इट आए, और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बाद चाहे यू आए इट आए। तो देखो, अगर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से पहले आए तो यह हमेशा सब्जेक्टिव केस में होगा। किसमें केस में होगा? सब्जेक्टिव। और अगर मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद आए तो हमेशा कौन से केस में होगा? ऑब्जेक्टिव केस में होगा। किस केस में होगा भाई? ऑब्जेक्टिव केस में। बात समझ में आई? ठीक है। अब प्रोनाउन सेट का जो पहला रूल है, इसे आपको याद करना है। ये टेबल है प्रोनाउन का, जब तक टेबल नहीं याद रहेगा तब तक समझ में नहीं आएगा। आपसे कोई पूछ ले दे का पॉसेसिव केस क्या होता है, तो क्या बताओगे? देयर और देयर्स। जब तक आप इसे याद नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। तो चलो, हमने याद कर लिया या फिर याद कर लेंगे। रूल नंबर फर्स्ट आपको लिखना है, मैं बोल रहा हूं, लिखो फिर मैं बताता हूं। लिखो, यदि रिपोर्टेड स्पीच में, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, कह रहा है यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आ जाए तो, आ जाए तो उसे उसे रिपोर्टिंग वर्ब के, उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन नंबर व जेंडर के अनुसार बदल देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन नंबर व जेंडर के अनुसार बदल देते हैं। ठीक है, नोट कर लिया? चलो देखो, कह रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं? मैंने आपको पहले ही बता रखा है, इनवर्टेड कॉमा के अंदर जो कोई भी लिखा है तो उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। कह रहा है रिपोर्टेड स्पीच में कोई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठों में से कोई भी प्रोनाउन आ जाए, उसे हमें किससे बदलना है? बाहर रिपोर्टिंग वर्ब होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के किससे बदलना है? सब्जेक्ट से। किससे बदलेंगे बाबू? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। अब कैसे बदलेंगे, आइए देखते हैं। एग्जांपल, ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा, आई एम गोइंग माय स्कूल। लिखा आई एम गोइंग टू माई स्कूल, यही सेंटेंस लिखा है, आपको दिख रहा है? तो ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा, लिखा आई एम गोइंग टू माई स्कूल। अब देखो, रिपोर्टेड स्पीच है, एक यहां फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया है, एक यहां दो टू प्रोनाउन आया है। आपका रिपोर्टेड स्पीच में जितनी बार प्रोनाउन आएगा उतनी बार चेंज करोगे, लेकिन कैसे? फर्स्ट पर्सन आएगा तो ये रिपोर्टिंग वर्ब सेट लिखा है ना, इसके किससे बदलोगे? सब्जेक्ट से। किससे बदलना है आपको? सब्जेक्ट से। चलो अब हम बनाते हैं, ही लिखा है, ही सेट के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो जैसे है वैसे इनवर्टेड कॉमा इक्वल दैट। ठीक है, अब आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, जाएगा किसके पास बाबू? सब्जेक्ट के पास। किसके पास जाएगा? सब्जेक्ट के पास। कह रहा है आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, जाएगा किसके पास? सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट क्या है? ही से। अब समझने की कोशिश करो, अगर मैं आपको 100 रुपए दूं, आप मुझे कहो कि मैं आपको 100 रुपए देता हूं बेटा मुझे चेंज दे दो, तो आप 100 रुपए दोगे कि 90 रुपए दोगे? 90 रुपए दोगे तो मैं लूंगा, नहीं लूंगा ना? 1 रुपए भी कम रहेगा तब भी नहीं लूंगा, ज्यादा रहेगा तो भले ले लूंगा ना। तो बात समझिएगा, तो वैसे ही अब हम आई को किससे बदल रहे हैं? ही से। आई देखो कौन से केस में है? सब्जेक्टिव केस में। तो हम आई को जिससे बदलेंगे उसको भी उसी केस में होना चाहिए। आई को भैया हम ही से बदल रहे हैं तो आई सब्जेक्टिव केस है, तो ही का सब्जेक्टिव क्या होता है? ही। तो हम क्या लिखेंगे? ही।
अब एम है, हमने देखा इधर पास्ट टेंस में है, एम को किसमें बदलते हैं? वाज में। गोइंग लिखा है तो गोइंग, अब टू लिखा है तो टू। अब ये फर्स्ट पर्सन का फिर प्रोनाउन आ गया, जाएगा ही के पास भैया। अब माई आ गया, माई किसके पास आया? ही के पास। माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन गया ही के पास, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पास। अब हमें देखना है, हमें सबसे पहले आपने कहा, हमने कहा कि जिसको जिससे बदल रहे हैं अगर वह जिस केस में है उसी केस में इसको भी होना चाहिए। तो माई को हम बदल रहे हैं पोसेसिव, यानी माई को बदल रहे हैं किससे? ही से। तो माई कौन से केस में है? पोसेसिव केस में। क्या ही पोसेसिव केस में लिखा है? नहीं ना। तो ही का पोसेसिव क्या होता है? इट। माई को भैया ही से बदल रहे हैं तो माई कौन से केस में है? पोसेसिव केस में। तो भैया ही का पोसेसिव क्या होता है? हिज। तो हम यहां क्या लिखेंगे? हिज अ स्कूल। ना समझ में आए? देखो दूसरा, आई का हो राम सेड टू मी काम आई मार्केट काम ही इज हेल्पिंग मी यही सेंटेंस लिखा ही इज हेल्पिंग मी। ठीक है चलो इधर से बनाते चलते हैं। राम सेड के बाद देखो ऑब्जेक्ट लिखा है किसमें बदल देंगे? टोल्ड में। मी लिखा है तो मी, इनवर्टेड कॉमा इक्वल दैट। अब ही लिखा है तो ही। अब यहां इज लिखा है, अब यह पास्ट टेंस में है ना, इज लिखा है पास्ट टेंस में है तो पास्ट टेंस में होता है तो इज का क्या होता है? वाज। हेल्पिंग लिखा है तो हेल्पिंग। अब यह कौन से पर्सन का प्रोनाउन है बाबू? फर्स्ट पर्सन का। फर्स्ट पर्सन का है तो किससे बदला जाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। आप ही ने तो कहा है कि यदि फर्स्ट पर्सन का कोई भी प्रोनाउन आ जाए तो उसे किससे बदलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। तो मी किसके पास गया? राम के पास। राम किसी व्यक्ति का नाम है, किसका प्रोनाउन क्या होगा? ही। तो आप देखो यहाँ टेबल में समझने की कोशिश करो, मी किससे बदला जा रहा है? ही से। मी किससे बदला जा रहा है? ही से ना। आप देखो दोनों क्या सेम केस में है? भाई मैंने 100 रुपए दिया तो क्या आप 100 रुपए लौटाओगे? तभी तो लूंगा। दोनों देखो सेम केस में है? नहीं। मी ऑब्जेक्टिव केस में है तो ही सब्जेक्टिव केस में है। तो भाई मी जिस केस में है ही को भी उसी केस में लाओ। तो मी ऑब्जेक्टिव केस में है तो ही का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हिम। तब हम यहां क्या लिखेंगे? हिम। अब बात समझ में आई? तो भैया हम मी को किससे बदल रहे हैं? ही से। तो मी जिस केस में रहेगा ना ही को भी उसी केस में लाना है, ही को भी उसी केस में लाना है। तो मी ऑब्जेक्टिव केस में है तो ही का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हिम। सिंपल सी बात है। बात समझ में आई? हाँ नोट कर लो, एक एग्जांपल और दिखाते हैं आपको। देखो लिखा है सीता से काम आई वॉन्टेड काम आई। क्या लिखा भैया? आई एम नॉट थिप। आई एम नॉट थिप यही सेंटेंस लिखा है। तो चलो बनाते चलते हैं। सीता से काम आई वॉन्टेड काम आई इक्वल दैट। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, जाएगा किसके पास? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पास। सीता लड़की का नाम है, किसका प्रोनाउन क्या होता है? सी। हो गया सी। अब आई किसके पास चल के आएगा? सी के पास। आई जिस केस में है सी भी देखो उसी केस में है, सेम सेम है ना। आई सब्जेक्टिव केस है तो सी का सब्जेक्टिव क्या होता है? सी। हमने लिख दिया सी। अब एम का किस में होता है? वाज नॉट। ठीक है। अब दूसरा देखो लिखा हो ही सेड टू मी काम आई मार्केट काम है वी आर ना सॉरी वी वेयर ना वी वेयर आवर फ्रेंड यही सेंटेंस लिखा है। ठीक है। अब सबसे बात यहां है, चलो ही सेड के बाद ऑब्जेक्ट है तो टोल्ड मी इनवर्टेड कॉमा इक्वल दैट। अब ये वी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, जाएगा सब्जेक्ट के पास, सब्जेक्ट क्या है? ही। वी कौन से केस में है? यानी ही भैया चल वी गया ही के पास। तो वी कौन से केस में है? वी कौन से केस में है? सब्जेक्टिव केस में। ही का सब्जेक्टिव क्या होता है? ही।
अगर वेयर लिखा होता तो क्या लिखते हैं, हैड बीन, ठीक है। यहां आवर लिखा है, क्या लिखा है, आवर। आवर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, जाएगा ही के पास, ही के पास जाएगा भैया, आवर लिखा है तो जाएगा ही के पास। आवर कौन से केस में, पोसेसिव केस में, ही का पोसेसिव क्या होता है, हिज फ्रेंड। अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर जी को नहीं आता, गलती पढ़ाया है, गलती पढ़ाया ना, देखो गलती कहां है, ये वी कौन से नंबर में आता है बाबू, प्लूरल नंबर में, वी यहां पे कौन से नंबर में है, प्लूरल नंबर में, और हमने किस नंबर में लिखा है, सिंगुलर नंबर में सब्जेक्ट लिखा है ना, तो गलत है ना। तो देखो ध्यान देना, सबसे सिंपल सी चीज ये है, अगर वी कभी भी किसी भी रिपोर्टेड स्पीच में आता है तो वी को हमेशा दे से बदल देना, अज रहेगा तो देम से, अवर रहेगा तो देयर से, और अवर्स रहेगा तो देयर्स से। ऐसा क्यों, क्योंकि ये प्लूरल है तो थर्ड पर्सन में एक हमारा प्रोनाउन प्लूरल है, कौन सा, दे। तो भैया वी रहेगा तो सीधे दे में बदल देगा बिना सोचे समझे, अज रहेगा तो देम में, अवर रहेगा तो देयर में, और अवर्स रहेगा तो देयर्स में। तो भैया यहाँ वी था तो हमने क्या लगा दिया, दे, यहाँ अवर था तो यहाँ क्या लगा दिया, देयर। तो बात समझ में आई ना, अगर वी रहेगा तो दे में, अवर रहेगा तो देयर में, और अगर अज रहता तो दे में। तो बात समझ में आई बाबू, नोट कर लो, बहुत ही अच्छे, गुड। अब रोल नंबर टू, देखो यदि यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आ जाए तो, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आ जाए तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के, उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन नंबर व टेंस के अनुसार बदल देते हैं, पर्सन नंबर व टेंस के अनुसार बदल देते हैं, ठीक है। कह रहा है अभी देखो फर्स्ट पर्सन का होगा, ऐसे समझो ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये नो चेंज। अगर फर्स्ट पर्सन का रहेगा तो सब्जेक्ट के पास जाएगा, सेकंड पर्सन का रहेगा तो ऑब्जेक्ट के पास, और थर्ड पर्सन का रहेगा तो नो चेंज ना। कहने का आशय, अगर फर्स्ट पर्सन का कोई भी प्रोनाउन आपका रिपोर्टेड स्पीच में आ जाए तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन का आ जाए तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, थर्ड पर्सन का आ जाए तो नो चेंज। देखो जैसे हमने सब्जेक्ट टू को चेंज किया फर्स्ट पर्सन को, ऐसे सेकंड पर्सन को भी करेंगे। तो लिखा है ही सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, यू आर वॉशिंग योर फेस, यही सेंटेंस लिखा है। तो चलो भैया बनाते हैं, ही सेड के बाद ऑब्जेक्ट लिखा है तो टोल्ड मी, इनवर्टेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा। अब यू, देखो कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है तो जाएगा ऑब्जेक्ट के पास, फर्स्ट पर्सन होता तो सब्जेक्ट के पास, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के पास। हमने देखा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से पहले आया है यू, इसका मतलब यू कौन से केस में है, सब्जेक्टिव केस में, जाएगा मी के पास, किसके पास जा रहा है, मी के पास। तो देखो यू गया मी के पास, तो यू कौन से केस में, सब्जेक्टिव केस में, मी का सब्जेक्टिव आई, मी का सब्जेक्टिव आई हो गया, क्योंकि भाई यू गया मी के पास, तो यू किस केस में है, सब्जेक्टिव केस में, तो मी का सब्जेक्टिव क्या होता है, आई, और आर लिखा है तो क्या हो जाएगा, वाच, वाशिंग। अब यहां क्या आ गया, योर, योर आ गया, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, जाएगा मी के पास, भैया योर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, जाएगा मी के पास, योर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, जाएगा मी के पास, तो योर कौन से केस में है, योर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, जाएगा मी के पास, तो कौन से केस में, पोसेसिव केस में, मी का पोसेसिव क्या होता है,
माई फिश बट। जैसे आपको सब्जेक्ट जैसे किया वैसे सेम आपको ऑब्जेक्ट में भी करना है, ठीक है? तो नोट कर लीजिए। अब और देखते हैं एग्जांपल, इसको मिटा देते हैं। आप लोग अपने कॉपी से मिलाइएगा, लिख ही दिए होंगे, तब करिएगा। यह सेंटेंस लिखा है, he said to his friend, वो अपने मित्र से कहता है, you are my friend, ठीक है? चलो he said के बाद ऑब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा, told he is a friend। अब देखो कह रहा है कि हमने रिपोर्टिंग वर्ब को बदल लिया, इनवर्टेड कॉमा इक्वल क्या होता है that। अब यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, जाएगा ऑब्जेक्ट के पास। ऑब्जेक्ट क्या है, his friend। अब भैया ही मतलब वो लड़का है तो अपने मित्र से कहेगा तो अभी लड़का ही होगा, उसका प्रोनाउन क्या हो गया ही। अब यू गया किसके पास, ही के पास। अब यू कौन से केस में है, सब्जेक्टिव केस में ना, तो ही का सब्जेक्टिव क्या होता है ही, आर का क्या हो जाएगा पास। अब माई कौन सा प्रोनाउन है, कौन से पर्सन का प्रोनाउन है भैया, फर्स्ट पर्सन, तो जाएगा किसके पास, सब्जेक्ट के पास। सेकंड पर्सन का था तो ऑब्जेक्ट के पास, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के पास। माई कौन से केस में है, कॉपिया में देखो लाला जो लिखे हो, यहाँ जो लिखा था प्रोनाउन वहां उसको देखो कपिया में, माई पोसेसिव केस में है, तो ही का पोसेसिव क्या होता है, हिज, हिज अ फ्रेंड, हिज अ, बात समझ में आएगी, ठीक है? प्रोनाउन चेंज इतना ही है। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग क्या करो, इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाओ और शेयर करो, और व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा उसे क्या करो, आप लोग ज्वाइन करो, और ऐसे ढेर सारे होमवर्क आप वहां पाओगे, कुछ एग्जांपल्स भी पाओगे करे हुए, ठीक है? और यही उम्मीद है कि आप लोग इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई करो। इस साल तो पेपर नहीं हुआ, लेकिन नेक्स्ट ईयर अगर आपका ऐसे ही जो ये माहौल है कोविड-19 का खत्म होता है तो पेपर होगा, लेकिन हम पढ़ाई को तो नहीं छोड़ सकते ना, क्योंकि अभी तो कभी ना एग्जाम देना ही होगा, इस साल नहीं तो अगले साल नहीं तो उसके अगले साल, तो पढ़ाई को न त्यागो और आप लोग मेहनत करो, अच्छे से मेहनत करो, आप लोग ऊंचाइयों तक जाना है। तो यहीं तक ये वीडियो आज समाप्त होती है, आप लोग इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, लोगों तक शेयर करो और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, ताकि जो भी एग्जांपल्स और वगैरह वीडियो होते हैं आप लोगों को क्या है, आप तक पहुँच जाए, ठीक है? धन्यवाद।